हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों सीन की वैसा मैं इस समय हूँ हल्द्वानी में रामपुर रोड पर। हल्द्वानी यहाँ से करीब 3 किलोमीटर और आगे है रामपुर रोड पर। मैं बिहारी पेट्रोल पंप इधर पड़ता है दोस्तों, और यहीं पे 3 भाई लोग हैं जो बनाते हैं बहुत बढ़िया अमृतसरी नान। कितने रुपये की देते हैं, कितना पुराना काम है दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक करना, हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अभी एक हफ्ते पहले यहाँ से जा रहा था तो मुझे ये सेटअप दिखा, तो मैंने सोचा ये आप लोगों को दिखाया जाए। मेहनत करते 3 भाई क्या क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। चलते हैं दिखाते हैं कैसा इनका स्वाद है खाने का। तो दोस्तों ये है रामपुर रोड आपकी, और बिहारी पेट्रोल पंप उधर है, और यहीं पे एक छोटा सा यहाँ पे ठेला लगा हुआ है अमृतसरी नान भंडार। 3 भाई हैं जो कि यहाँ पे खाना खिलाते हैं, और ये देखिए यहाँ पे भीड़ बहुत जबरदस्त रहती है क्योंकि जायका यहाँ का बढ़िया ही होगा। देखिए लाइन से सब लोग बैठे हुए और खाने का मजा ले रहे हैं। और थोड़ा सा भैया से पूछे, भैया कुछ बताना चाहेंगे खाने के बारे में, कैसा लगता है यहाँ का खाना? बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है आपको? कैसा लगता है भैया खाना यहाँ का? बहुत बढ़िया, बढ़िया लगता है। चलिए खाइए आप, खाइए। और यहाँ पे देखिए पूरा सेटअप, आप खास तौर से दोस्तों सेटअप जो बना रखा, देखिए तंदूर बिल्कुल इन्होंने फिट कर रखा ठेले में, जगह का कितना बढ़िया यूज करा इन्होंने। और यहाँ पे क्या क्या बना रखा है इन्होंने जरा ये भी देखते हैं। ये देखिए इसमें ये आपके छोले हैं एक, अच्छा ये राजमा एक बार चढ़ा के दिखा दीजिए इसको। ये देखिए ये छोले है ना, ये देखिए छोले, और इसमें क्या है, ये देखिए राजमा, बढ़िया राजमा, और चावल भी इसमें आप देते हो? चावल अलग से। अच्छा चावल अलग से, मैं दोस्तों चावल भी दिखा दूं आपको। ये देखिए चावल, ये रहे बिल्कुल बढ़िया खिले खिले व्हाइट चावल है, अंगूरी चावल है, और इस तंदूर। तो बात करते हैं भैया से और बताते हैं क्या प्राइसिंग है और क्या क्या ये बनाते हैं यहाँ पे। दोस्तों मेरे सामने भैया है, भैया पहले तो अपना नाम बता दो यार। राकेश श्रीराम। राकेश श्रीराम, राकेश भाई। तो राकेश भाई कितना पुराना काम अपना ये हो गया है? डेढ़ दो साल हो गया। डेढ़ दो साल इसी जगह में। क्या क्या बनता अपने वहाँ? आलू नान है, गोभी नान है, पनीर नान, मिसू नान, बटर नान, सब नान ये सब बनाते हो आप? हमेशा मिल जाते इतने नान? हमेशा मिलते हैं। अच्छा क्या क्या रेट है इनका? सबका रेट अलग अलग है। आलू नान की 40 रुपए की प्लेट है। अच्छा आलू नान की 40 रुपए की प्लेट है, उसमें नान कितनी मिलती है? उसमें दो नान है। दो नान मिलती है, छोले हो गए, राजमा हो गए, आपका चटनी रायता हो गया क्यों? अलग से ये अलग से हो गया। अच्छा रायता अलग से, चटनी वगैरह मिल जाता है। और चूरचू नान का क्या क्या रेट है भैया? ₹70 प्लेट है। और ये चावल कितने रुपए की देते हो आप? 30 का फुल 40 का। अच्छा राजेश भैया ये बताओ यहाँ का एड्रेस क्या है, जैसे कोई आना चाहे यहाँ पे, और अपने टाइमिंग क्या यहाँ पे लगाने का? सुबह 7 बजे से लग जाते हैं। देखिए बिल्कुल भीड़। और कितने बजे तक रहते हैं भैया? 4 बजे तक। और अपनी छुट्टी किसी दिन होती है? छुट्टी नहीं होती है। छुट्टी नहीं होती है, 7 दिन लगाते हो? अच्छा UPI हो जाता है यहाँ पे, ऑनलाइन की पेमेंट सुविधा सब चलता है। एक बार यहाँ का एड्रेस बता दो जैसे कोई आना चाहे। बिहारी पेट्रोल पंप मऊवानी दुकान पे। बिहारी पेट्रोल पंप मऊवानी दुकान, ये एड्रेस है दोस्तों यहाँ का। कौन सी दुकान बताई थी आपने? मामा भांजे। अच्छा मामा भांजे की दुकान जो है बराबर में मेरे है वो दिख रही है। और ये देखिए ये आपका ये जो होता है ये हाथ का बना हुआ होता है घर का? अरे वाह, ये देखिए। और ये देखिए इनकी आलू नान जबरदस्त। तो दोस्तों आज सुबह का नाश्ता यहीं पे होगा और बताएंगे आपको कैसा स्वाद है इनके वहाँ का। तो भैया आपका क्या नाम है? गुरमसरूप। और आपका भैया क्या नाम है? हमारा हुलासी राम नाम है। रहने वाले कहाँ के आप लोग? मीरगंज बरेली। हाँ। डिस्ट्रिक्ट बरेली के रहने वाले दोस्तों, भाई लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं बढ़िया, देखिए बेहतरीन खाना खिला रहे हैं मात्र 40 रुपए में। तो दोस्तों हमारे एक भैया हैं जो कि यहाँ पे आलू नान के मजे ले रहे हैं। भैया कैसा लगता है आपको यहाँ का? बहुत बढ़िया लगता है, लगता है। चलिए एंजॉय करिए। हम स्पेशल आए हैं भवाली से। भवाली से यहाँ खाने? यहाँ खाने। अरे वाह, देखिए देखिए दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाते हैं तो यहाँ खाते हैं। तो दोस्तों कभी आप भी हल्द्वानी आए और यहाँ से अगर अगर मुरादाबाद या रामपुर या दिल्ली जाना हो तो भाई के वहाँ जरूर रुकना,
बहुत बढ़िया। देखिए ये देखिए, तो दोस्तों लग रही है अपनी प्लेट, छोले आ चुके हैं और ये राजमा आ चुकी है और देखिए हरी हरी चटनी और अपना सलाद। और ये गरम गरम वहां से तंदूर से नान निकल के आ गई, मक्खन लग गया, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए हमारी पेट बन के आ चुकी है, आलू नान, रायता, छोले और राजमा। तो आप लोग लीजिए वीडियो का मजा, मैं लेता हूँ भाई के वहाँ आलू नान और छोले और रायते का मजा। तो दोस्तों अपनी आलू नान आ गई है, मैंने अभी एक ही लगवाई है और बहुत सॉफ्ट है ये देखिए, ये बिल्कुल मक्खन के साथ ये आप देख सकते हैं, देखिए बहुत बेहतरीन। और ये आपके छोले, तो ज़्यादा वेट नहीं करते, बनाते हैं एक बाइट बढ़िया करके, भाई लोगे वहाँ की अमृतसरी नान भी देते, देखते हैं स्वाद क्या है इसका। चीयर्स द बाइट। भाई स्वाद तो बढ़िया है, बेहतरीन नान, बिल्कुल सॉफ्ट है। हालांकि मुझे समय हो गया था, मैं रील वगैरह बना रहा था, लेकिन बेहतरीन लग रही है और चटनी तो बहुत बेहतरीन है भाई इनकी। सुबह का नाश्ता करने का बहुत बढ़िया बढ़िया जगह आई है और दिन के अपना लंच भी कर सकते हैं। जैसा कि बता रहे हैं बरेली के हैं, स्वाद बिल्कुल बरेली वाला ही आ रहा है, हल्का सा छोले में थोड़ा गर्म मसाला तेज है क्योंकि वो रहता है। और ये राजमा, राजमा का मसाला बिल्कुल डिफरेंट है छोले से, छोला छोले बढ़िया लग रहे हैं, हो सकता है राजमा चावल के साथ अच्छे लगे, लेकिन भाई अमृतसरी नान का मजा तो छोले के साथ ही आ रहा है, बेहतरीन। बाकी भैया भवाली से लोग आ रहे हैं और मेरे पीछे लोग खा रहे हैं, तो स्वाद बढ़िया। आप लोग भी एक बार यहाँ पे आना, अच्छा लगेगा खाना आपको, पेड़ के नीचे बैठ के आराम से खा सकते हैं, ठंडी हवा चल रही है। चलिए तो दोस्तों फिनिश करता हूँ, बोलता हूँ आपको इसे खाने के बाद। तो दोस्तों मैंने तो यहाँ पे आलू नान टेस्ट करी, वाकई बहुत बढ़िया थी। और साथ में दोस्तों ये जो रायता मैंने उस समय दिखाया नहीं आपको, ये भी बहुत लाजवाब है। तो रायते का गिलास अलग से कितने का भैया? राकेश भाई 10 रुपये का गिलास है अलग से, और काफी बड़ा गिलास है। आलू नान खाने के बाद रायता पियोगे मजा आ जाएगा दोस्तों, मुझे बढ़िया लगा। 40 रुपये में खिला रहे हैं दोस्तों, ये लाजवाब खाना। अगर आपका कभी इस रोड पर आना हो तो एक बार इनके वहाँ टेस्ट करना, वाकई में स्वाद बढ़िया मिलेगा आपको अमृतसरी नान का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नई नई वीडियोज नया जायका आपको देखने को और खाने को मिले। मिलूंगा नई जगह, नए स्वाद को दिखाऊंगा, नए जायके को दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।